हटाना होगा, बचाना होगा, शौचालय वहाँ से हटाना होगा, हटाना होगा, आदमी को बचाना होगा, हटाना होगा, उलट शौचालय को चौपाटी ये जनता के हित का निर्णय है। आज आप देख सकते हैं रेस्ट हाउस के सामने चौपाटी बरसों से स्थापित है और वो पर्यटक दृष्टिकोण से लोग का आना जाना लगातार लगे रहता है। बच्चे लोग आते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, वॉकिंग करने आते हैं, सभी लोग आते हैं। वहाँ पर बगैर जानकारी के, बगैर पार्षद की सहमति से आयुक्त ने अपना निर्णय लेके सुलभ शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। ये मॉर्निंग वॉक में कुछ सदस्य लोग हमारे आते हैं, जिसकी सूचना नेता प्रतिपक्ष जी को जानकारी दी गई थी और हम लोग को भी बताया गया था कि हमारे लिए तो दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ सुलभ शौचालय का आप लोग निर्माण कर रहे हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि निगम के कोई अधिकारी निर्माण, उन्होंने यही आरोप लगाया कि आप लोग निर्माण कर रहे हो, पार्षद के ऊपर आरोप है। तब हम लोग जनता के हित में आज चक्का जाम के लिए अग्रसर होना पड़ा है। अभी तो हमारी लड़ाई है, अगर अधिकारी का ऐसे ही अड़ैयल रवैया रहा ना, हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे जनता के हित की लड़ाई के लिए, आगे भी जारी रहेगी। गगन आइज वार्ड नंबर 45 से पार्षद। हफ्ते भर से जो मॉर्निंग वॉक करने वाले परिवार के सदस्य, महिला, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, उनका परिवार सुबह शाम जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन के रूप में वो घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं, जिसमें चौपाटी में जिम का सामान लगा हुआ है, जिससे कई वर्षों से लगातार लोग जिम करने आते हैं, रेत बिछाई गई है, रेत में लोग पैदल चलते हैं अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखने के लिए, शरीर को मजबूत रखने के लिए। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा इस शहर का कि हमारे क्षेत्र के सांसद द्वारा भूमि पूजन किया गया हाईटेक शौचालय के लिए, और जहाँ पे हाईटेक शौचालय का निर्माण किया जाना था वहाँ पे वो ना निर्माण करके चौपाटी के अंदर जहाँ पे लोग व्यायाम करते हैं, जहाँ जिम के इंस्ट्रूमेंट्स और सामानों को उखाड़ दिया गया और ये उखाड़ कर वहाँ पे शौचालय निर्माण किया जा रहा है, ये सोचने कि ये कैसी बुद्धि है, समझ से परे है। और आप गूगल में भी अगर सर्च करोगे तो हाईटेक शौचालय हम लोग पहले बार सुन रहे हैं, हाईटेक बस स्टेशन सुने हैं, हाईटेक कॉम्प्लेक्स सुने हैं, लेकिन हाईटेक शौचालय का हमको आश्चर्य होता है कहाँ से आए हाईटेक। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो हाईटेक शौचालय कहीं नहीं मिलेगा। आज हमारे जो माननीय क्लब के जो अध्यक्ष हैं हेमंत साहू जी ने एक ज्ञापन दिया था कुछ दिन पहले कि आप लोग निर्माण कार्य को रोके, लेकिन इन्होंने रोका नहीं। हमारे पार्षदगण जैसे ऋषि शास्त्री जी हैं, इन्होंने भी एक ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर को, SDM को, कमिश्नर को, उसके बाद भी कार्य नहीं। उस क्षेत्र के पार्षद जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी के पार्षद हैं, यादव जी, श्रीमती यादव जी, उनको भी नहीं पूछा गया कि हम लोग इसका परियोजना कर रहे हैं, यहाँ लगाने कहीं आपत्ति नहीं। यानी सारे शहर के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को, आम जनता की भावनाओं को दर किनारे करके, एकाधिकार समझकर तुगलकी फरमान जारी करके वहाँ पे निर्माण किया गया, जिससे आम जनता ने विरोध किया और आम जनता की भावनाओं को हमने नज़रअंदाज नहीं किया। उनका साथ सहयोग करते हुए दलगत राजनीति से हटकर आज हम लोग सर्किट हाउस चौक पर धरने देने में हमको मजबूर किया। कमिश्नर आयुक्त गुप्ता जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि वहाँ पे शौचालय नहीं बनेगा, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। वो उसके बाद भी कहाँ बनाना चाहते हैं वो उनके नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का अधिकार है, वो जहाँ बनाना चाहे अन्य जगह बनाए, लेकिन वहाँ पर ना बने ये हमारी भावना है।